में अन्नदाता का आंदोलन, महाराष्ट्र विधानसभा का करेंगे घेराव, किसानों के विरोध में दबाव में सरकार, हक की मांग ने सरकार को हिलाया, एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज। नमस्कार, इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि देश का अन्नदाता आज हमारे दरवाजे पर हाथ फैलाए खड़ा हुआ है। देश का अन्नदाता जिसके पांव में छाले हैं क्योंकि वो कई किलोमीटर चलकर अपने घर से, अपने गांव से आज देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई पहुंच गया है। और जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के मैनिफेस्टो में वादा किया था कि एमएस स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करेंगे, मगर इसको लेकर अदालत में उन्होंने यूटर्न ले लिया। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। कर्ज माफी को लेकर उसकी मांगे वहीं की वहीं हैं और आज बेबस 30,000 किसान पैदल मार्च करते हुए महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार को घेरने के लिए पहुंच गए हैं। जी हां, 30,000 किसान, और ये 6 दिनों से पैदल करते करते मुंबई पहुंचे हैं। उनका इरादा है विधानसभा को घेरने का, लेकिन हो सकता है कि सरकार और किसानों का टकराव टल जाए क्योंकि सरकार किसानों से मिलने के लिए राजी हो गई है। दोपहर 2 बजे के बाद खुद देवेंद्र फडणवीस किसानों के नेताओं से मिलेंगे। किसान खुद सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं, लेकिन उनकी उदारता देखिए और गौर कीजिए इस बात पर, गौर कीजिए इस बात पर, हमारे अन्नदाता जो हमें अन्न मुहैया कराते हैं, हमारे अन्नदाता, लोगों को परेशानी ना हो इसलिए किसान रात भर चलकर मुंबई के आजाद मैदान पहुंचे। आज मुंबई की परीक्षाएं, बच्चों को आंदोलन का खमियाजा ना भुगतना पड़े इसीलिए रात भर चले ये किसान, ताकि दिन निकलने पर मुंबई परेशान ना हो। और आज हमारे यही किसान, आज यही किसान अपील कर रहे हैं क्योंकि ये लड़ाई है उनके वर्चस्व की, ये लड़ाई है उनके अस्तित्व की, क्योंकि उनकी जो लड़ाई है वो बहुत ही बुनियादी लेवल पर है, बहुत ही बुनियादी स्तर पर है। तमाम कैमरास के जरिए जो हम आपको बता रहे हैं और आप देख रहे हैं कि एबीपी न्यूज किस तरह से आजाद मैदान पहुंच चुके हैं, वहां पर ये मौजूद हैं। और मुंबई करके भी जज्बे को सलाम करना पड़ेगा क्योंकि वो भी अपने स्तर पर इन किसानों की, हमारे अन्नदाताओं की मदद कर रहा है। एबीपी न्यूज पर आप सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं क्योंकि ये किसान हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं, हमारे भविष्य को तय करते हैं, लिहाजा इनके साथ सियासत ना हो, यही वजह है कि आज हम पूरे दमखम के साथ इन 30,000 किसानों के जरिए पूरे देश में जो किसान हैं उनमें जिस तरह की अस्थिरता, जिस तरह का अनरेस्ट है, वो मुद्दे उठा रहे हैं। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन किसानों की मांग क्या है, क्यों इनके दिल दर्द से भरे हुए हैं। किसानों का बिना शर्त पूरा कर्ज माफ हो, बड़ी मांग है ये, बहुत बड़ी मांग है ये। किसानों की फसल का 1.5 गुना भाव मिले, कपास के कीड़े और ओले गिरने से हुए नुकसान के कारण किसान को मिले हर एकड़ पर 40,000 रुपए का मुआवजा, किसानों का बिजली का बिल माफ किया जाए। तो ये तमाम मांगे हैं किसानों की जिसके चलते वो कई किलोमीटर, दर्जनों किलोमीटर जो हैं वो चल के आए हैं। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से उन्होंने डेरा डाला हुआ है आजाद मैदान में। हम आपको बता दें एबीपी न्यूज पल पल की कवरेज आप तक पहुंचा रहा है। एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर भी इन्हीं किसानों के साथ चलते हुए, हालांकि हमने आपको बताया हम उनके दर्द का एक अंश भी नहीं समझ सकते, ना महसूस कर सकते हैं, और एबीपी न्यूज संवाददाता गणेश ठाकुर अपनी इस रिपोर्ट के जरिए उसे महसूस करने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। आइए देखते हैं। किसानों का लॉन्ग मार्च देश की आर्थिक राजधानी और महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई पहुंच चुका है। ये सभी किसान अलग अलग दूर दूर के जिलों से यहां पहुंचे हैं अपनी मांगें सरकार के सामने रखने के लिए और विधानसभा का घेराव करने के लिए।
जैसा हमने बताया कि फॉरेस्ट लैंड का एक प्रमुख मुद्दा, इसके अलावा दूसरा बड़ा मुद्दा यहाँ पर है कर्ज माफी का, यानी जो किसानों को कर्ज माफी सरकार देने का आश्वासन सरकार की तरफ से दिया गया था, वो कर्ज माफी के लिए किसान दोबारा से आंदोलन कर रहा है। 7 महीने पहले जब महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के किसान नेताओं और महाराष्ट्र सरकार के मंत्रियों के बीच बैठक हुई थी, तो उसमें निर्णय लिया गया था कि जो अल्पभू धारक यानी जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, उन किसानों का पूरा कर्ज माफ किया जाएगा और नया कर्ज तुरंत दिया जाएगा। वही जिनके पास 5 एकड़ से ज्यादा जमीन है, उनके कर्ज माफी को लेकर सरकार एक कमेटी बनाएगी और कमेटी ये निर्णय लेगी। कर्ज माफी क्यों नहीं हुई, किस तरह की परिस्थितियों में रहते हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मामा आपका नाम बताएं। नाम कालू काशराम माले, मुकाम गणेश गांव वगैरह, पोस्ट वेणुगा तालुका त्रिंबकसर जिला नासिक है। नासिक से आए हैं। आप बताओ, आप कर्ज माफी की यहाँ मांग कर रहे हैं, आपके ऊपर कितना कर्ज है? हमारा कर्ज 80,000 रुपया है। 80,000 कर्ज है कह रहे हैं। हाँ, और कर्ज क्यों नहीं आप चुका पाते, कर्ज माफी क्यों मांग रहे हैं आप? वो कर्ज माफी को हमारा वो मांगता है तो हमारा कर्ज माफ नहीं मिलेगा, वो ते कर्ज माफ नहीं मिलेगा। सरकार कहते कि कर्ज माफ नहीं होगा। हाँ, कर्ज माफ नहीं मिलेगा, क्या करता हमें इतने अपने या किसान मोर्चा मोर्चा इतना आलो आणि आम्हाला ते कर्ज माफ मिळायला पाहिजे, याच करता आम्ही इथपर्यंत ये कह रहे हैं कि हमारा कर्ज माफ होना ही चाहिए और इसीलिए हम विधानसभा का घेराव करने के लिए 160 किलोमीटर दूर पैदल चलकर ये सारे बुजुर्ग किसान यहां पहुंचे हैं। आप जानते हैं हमारे अन्नदाता क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम गोली खाने को तैयार हैं मगर खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। और लगातार इन किसानों की आत्महत्या का जो सिलसिला है ना, वो बढ़ता ही जा रहा है और ये 200 किलोमीटर चलते हुए आए हैं। और आप जानते हैं जब वो आजाद मैदान पहुंचे हैं और जब वो जमीन पर लेटे हैं, तो उन्हें ये पता चल रहा है कि आखिर किस तकलीफ से गुजरे हैं। लगातार पैदल चलने के चलते इन किसानों के पैरों में छाले पड़ गए हैं, कई बीमार हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि वो गोली खाने को तैयार हैं मगर खाली हाथ नहीं लौटेंगे। युवाओं का एक समूह है जो तमाम किसान हैं जो अपनी मांगे लेकर यहां पहुंचे हुए हैं, हाथों में अखबार है और लगातार सभी खबरें पढ़ रहे हैं कि आखिरकार उनके इस मोर्चे को लेकर, इस यात्रा को लेकर सरकार क्या पहल कर रही है, क्या फैसला ले रही है। हमारे साथ किसान हैं, उनसे बात करते हैं। आपका नाम बताइएगा और बताइएगा कि कितनी उम्मीद है, आप लोग लगातार 6 दिन से चल रहे हैं, यहाँ पहुँचे हैं, क्या उम्मीद रखते हैं? हाँ, हमारी उम्मीद तो क्या है कि वो कल गिरीश महाजन साहब आए थे उधर, उन्होंने सकारात्मक बोला है कि आपकी जो मांगे हैं वो सिंपल है, तो वो जो मांगे हैं वो आपकी पूरी हो जाएंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है, सकारात्मक आश्वासन दिया है उन्होंने। आप लोग नासिक से 6 दिन पहले निकले थे, पूरा देश देख रहा है कि किस तरह से किसान बढ़े जा रहे हैं, और बीती रात आप लोगों ने फैसला किया कि रात को ही चलना है, ऐसा फैसला क्यों? आप लोग चाहते तो आज सोमवार का दिन था, मंत्रालय आप पहुँच सकते थे। हाँ, हम तो सुबह भी आ सकते थे, लेकिन हमें किसी का नुकसान नहीं करने का है। हमें पता चला है कि आज 10वीं स्टैंडर्ड का एग्जाम है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने हमारा जो ग्रुप है वो किसान ग्रुप है, उन्होंने डिसाइड किया कि किसी को नुकसान, हमारे तरफ से किसी को नुकसान नहीं होना चाहिए। कल 10वीं का एग्जाम है तो उनको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मुंबई सिटी बहुत बड़ी है और ट्रैफिक हो जाएगी, तो फिर उन्होंने सबने डिसाइड किया कि हमें तकलीफ हुई तो चलेगी, लेकिन स्टूडेंट को तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमने डिसाइड किया। और हमने रात 1 बजे से उधर सोमैया मैदान से निकल पड़े हम और यहाँ आजाद मैदान में आए हैं। हमारे अन्नदाता हाथ फैलाए हमारे दरवाजे पर, उनके पैरों में छाले हैं इन किसान के। जानते हैं इन किसानों के कई चेहरे हैं, कई सरकारी उपेक्षा के शिकार हैं, कई गुंडों तक की मार झेल रहे हैं। एक ऐसे किसान के परिवार से मिलिए जिसके अशिक्षित होने का फायदा उठाकर गांव के गुंडों ने उनकी जमीन हड़प ली। जी हां, आप ये मत सोचिए ये किसी फिल्म का सीन है। 25 साल से परिवार जमीन छुड़ाने के लिए संघर्ष कर रहा है। जो जमीन है उनकी जमीन बचाने के लिए 25 साल से लगातार संघर्ष करते आए हैं और वो भी इस लॉन्ग मार्च में शामिल हुए हैं। इनकी क्या कहानी है, इनके ऊपर किस तरह
ये संघर्ष करने की बारी आई, ये जानने की कोशिश इनसे करते हैं। ये कह रही हैं कि इनकी जमीन हड़पी गई, कैसे हड़पी इनकी जमीन? इनको गवर्नमेंट ने जमीन दी थी, इनके पिताजी गुजर जाने के बाद इनका अशिक्षितपना का फायदा उठाकर गांव के जो गुंड लोग आए, जो समाज कंटक आए, रमेश पाटिल, रावण पाटिल, ये इकल कुटुंब के लोगों ने, और उनके पास बहुत पैसा था, इनका अशिक्षितपना का फायदा लेकर और गवर्नमेंट की परवानगी न लेता उन्होंने परस्पर बेकायदेशीर व्यवहार करके इनकी पूरी जमीन हड़प करी है। कितनी जमीन है इनकी? इनकी 20-25 एकड़ के आसपास जमीन है। और 25 साल से संघर्ष कर रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही? 25 साल से संघर्ष चालू है, सब निकाल, सब क्षेत्रीय निकाल इनके बारे में लग गए हैं। और कोर्ट के कहाँ गए ये? कोर्ट में कहाँ गए ये? धुलिया कोर्ट में, धुलिया प्रांत में, धुलिया कलेक्टर नासिक पर, मुंबई के राज्य मंत्री संजय राठौड़ ने भी इनके बाजू में निकाल दिया है। सब निकाल इनके लगकर भी तो भी वो गुंडों का बेकायदेज वहाँ पर कब्जा है, वो आज भी इनके जमीन पर सर्रास बलात्कार कर रहे हैं। और ये महिला 25 साल से यहाँ है, 25 साल से यही मुंबई में, मुंबई में आजाद मैदान में बहुत परेशान हो रही है। और माता यता जाता खाता लाता फुटबॉल के किक से जैसे चेंडू को मारे जाते हैं उस तरह ये भाई लाथड़ी 25 साल से ये इसी आजाद मैदान में संघर्ष कर रही है। और आज किसान लॉन्ग मार्च में भी शामिल, मार्च में शामिल हुई है। इनका कहना है कि 25 साल का संघर्ष भी सरकार के अलग अलग विभागों से इनके पक्ष में निर्णय आने के बाद भी इनको उनका हक, उनके हक की जमीन जो हड़पी गई है वो नहीं मिली है, इसीलिए ये इस मार्च में शामिल हुए हैं। कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता के साथ गणेश ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई। आप जानते हैं हम में से कई लोगों की नींद खुली है जब वो हमारी दहलीज पर आकर खड़े हुए हैं। हालांकि एक बात स्पष्ट कर दें कि एबीपी न्यूज ने लगातार किसानों के मुद्दों को अपने कार्यक्रमों के जरिए आप तक पहुंचाया है। मेरे सहयोगी जो कि मुंबई ब्यूरो में हैं, उन्होंने बार बार विदर्भ के किसानों का दर्द आप तक पहुंचाया है। हमारे कई कार्यक्रमों में आप उनका दर्द देखते रहे, और यही वजह है कि हम ये सवाल भी खड़ा कर रहे हैं। और वो ये सवाल है कि आखिर क्यों मोदी सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में जो सवाल किए थे उस पर यू टर्न ले लिया है, क्या वजह है? यही वजह है कि आज ये 30,000 किसान जो है हमारे दहलीज पर आके खड़े हो रहे हैं। क्या किसानों की नाराजगी का असर 2019 के चुनावों में दिखेगा? क्या बीजेपी किसानों का दुख नहीं समझ रही है? क्योंकि चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, सबसे ज्यादा गंभीर वहां स्थिति बनी हुई किसानों की। कर्ज माफी का वादा क्या राजनीतिक भूल थी? हमारे अन्नदाता हमारे दहलीज पर हैं, उनके पांव में छाले हैं, वो हाथ फैलाए खड़े हैं, उनको नहीं खड़े होना चाहिए हाथ फैलाए। क्यों? क्योंकि सरकारें वादा खिलाफी करती हैं। और यही वजह है कि कुछ सवाल हम आपके सामने रख रहे हैं। क्या बीजेपी किसानों का दुख नहीं समझ पा रही है? क्या बीजेपी से जुड़ी सरकारें उनका दुख नहीं समझ पा रही है? किसानों की कर्ज माफी का वादा क्या राजनीतिक भूल थी? किसानों की नाराजगी का असर क्या 2019 के चुनावों में दिखेगा? किसानों ने, आप जानते हैं, किसी को तकलीफ नहीं दी, ना उन बच्चों के जिनके आज एग्जाम्स हैं, ना किसी मुंबईकर को। और किसानों का आंदोलन गाते बजाते हुए आंदोलन के रास्ते पर निकला। आइए देखते हैं गणेश ठाकुर की रिपोर्ट। किसान मोर्चा के साथ पहुंचा हुआ यह भजन मंडली करीब 300 किलोमीटर दूर से आया है। भजन कीर्तन करते हुए यह समूह मुंबई के आजाद मैदान पहुंचा हुआ है। करीब 300 किलोमीटर दूर यह भजन मंडली इसी तरह से भजन करते हुए पहाड़ी रास्तों से होते हुए मुंबई पहुंचा है। और मल्हार भक्त मंडल है जो कि नासिक से भी 90 किलोमीटर दूर के इलाके से आया हुआ है। आदिवासी जो गुट है उसका यह समूह है जो कि भजन मंडली का रूप लेकर यहां पर है। सभी को उत्साह जगाते हुए भजन कीर्तन करते हुए यहां पर पहुंचा हुआ है। सरकार से जो अपनी मांगे हैं वो अपने गीत के जरिए, अपने भजन के जरिए सब तक पहुंचा रहे हैं। तो ये जो तमाम भजन मंडली समूह है वो इन्हीं के साथ चलते हुए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। मांग है कि सरकार उनकी मांगों पर अमल करे। आदिवासी लोग हैं, चाहते हैं कि जो जंगल की जमीन है, वन्य जमीन है, वो इनके नाम पर की जाए, साथ ही साथ जो सिंचाई की व्यवस्था है वो अच्छी की जाए। तमाम ऐसी मांगे हैं। कैमरामैन प्रांजल कुलकर्णी के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, मुंबई। महाराष्ट्र में अन्नदाता का आंदोलन, महाराष्ट्र विधानसभा का करेंगे घेराव, किसानों के विरोध में दबाव में सरकार, हक की मांग ने सरकार को हिलाया, एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।